हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है पोको ब्रांड का है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पोको की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है पोको X3 Pro। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है पोको X3 Pro, ओके। और दोस्तों डिवाइस हमारी ऑन है और डिवाइस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डिवाइस हमारी पिन लॉक है। मैं सिंपल यहां से डिवाइस को अनलॉक करता हूं और आप देख सकते हैं एंटर पिन, डिवाइस हमारी पिन लॉक है। तो दोस्तों अगर आप पोको X3 Pro यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके पोको X3 Pro में लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे आप अपने पोको X3 Pro का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव कर पाएंगे, ओके? तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी पिन लॉक है। अब यहां दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ करना होगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आएंगे दोस्तों तो यहां पे आपको तीन बटन देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलती है, ओके? अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले वो मेथड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूं, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ओके? तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ कर लेना है, ओके? जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन है इसे आपको कंटिन्यू प्रेस करके रखना है, ओके? उसके बाद आप डिवाइस को ऑन करेंगे। जब आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपके डिस्प्ले पे पोको का लोगो दिखेगा, तुरंत आप पावर ऑन से अपनी फिंगर हटा लेंगे लेकिन वॉल्यूम अप को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे, ओके? इतना करने के बाद आपकी डिवाइस पोको X3 Pro पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी, ओके? अब चलिए ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको डिवाइस को सबसे पहले पूरी तरह से पावर ऑफ कर लेना है, तो आप सिंपल यहाँ पावर बटन को प्रेस करिए और डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ कर लीजिए। तो मैं यहाँ से डिवाइस को पावर ऑफ कर लेता हूँ, ओके? डिवाइस हमारी पूरी तरह से पावर ऑफ हो गई। और अब आ जाते हैं दोस्तों डिवाइस के राइट साइड में। अब यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम अप वाली बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखना है, उसके बाद डिवाइस को ऑन करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा वॉल्यूम अप वाली बटन, मैंने वॉल्यूम अप बटन को कंटिन्यू प्रेस करके रखा हुआ है, ओके? और अब मैं यहाँ से डिवाइस को ऑन करूँगा। जैसे ही डिवाइस ऑन होगी और पोको का लोगो दिखेगा, हम पावर ऑन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ये देखिए डिवाइस ऑन हुई, पोको का लोगो दिखा, हम पावर ऑन से अपनी फिंगर हटा लेंगे लेकिन वॉल्यूम अप को कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे, ओके? और दोस्तों आपको मैंने बताया था कि इतना करने के बाद आपकी डिवाइस टोटली रिकवरी मोड पर एक्टिव हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पर एक्टिव हो चुकी है, ओके? अब हम अपनी फिंगर यहां से हटा सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है। ऊपर की तरफ देखिए लिखा है मेन मेन्यू MIUI रिकवरी 5.0, यानी कि हमारी डिवाइस टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है, ओके? अब यहां दोस्तों देखिए रिकवरी के बहुत सारे ऑप्शन नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं, ओके? आपको डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, ओके? इसलिए आपको जाना होगा सेकंड वाले ऑप्शन पे, यानी कि वाइप डेटा पे। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप सिंपल यहां वॉल्यूम डाउन बटन का यूज करके जा सकते हैं वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे, ओके? तो मैं क्या करूंगा, यहां वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करूंगा, ठीक है? और ये देखिए मैंने एक बार प्रेस किया तो हम चले आए वाइप डेटा पे, ओके? यहां पे आने के बाद दोस्तों हमें ओके करना होता है, तो ओके करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको सिंपल यहां पावर बटन को प्रेस करना होता है ओके करने के लिए, ठीक है? तो यहां वाइप डेटा पे हम आ चुके हैं, ओके करने के लिए हम यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो यहां देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वाइप ऑल डेटा और बैक टू मेन मेन्यू। हमें डिवाइस को अनलॉक करना है दोस्तों, यहां डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमको करना क्या होगा, वाइप ऑल डेटा पे ओके करना होगा। तो ओके करने के लिए आपको पता है, सिंपल आप पावर बटन को यहां प्रेस करेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूं। और ये देखिए दोस्तों, यहां मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ ध्यान से देखिए, यहां रेड कलर का लिखा हुआ है कंफर्म वाइप ऑफ ऑल डेटा, ओके? और नीचे की तरफ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, कैंसिल और कंफर्म। आपको डिवाइस को अनलॉक करना है, इसलिए आपको जाना होगा सेकंड वाले ऑप्शन पे, यानी कि कंफर्म पे। तो बहुत आसान है, आप सिंपल वॉल्यूम डाउन बटन को एक बार प्रेस करें और आप चले आएंगे कंफर्म पे। कंफर्म पे आने के बाद आपको ओके करना है, लेकिन एक मिनट दोस्तों, आप यहां जैसे ही ओके करेंगे, आपके डिवाइस का ऑल ओवर डेटा, यानी कि आपका इमेज, वीडियोस, फोटो, कॉन्टेक्ट जो भी है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और डेटा बैकअप करने का, यानी कि डेटा बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता, ओके? तो चूंकि हमें दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है,
इसलिए हमें करना क्या होगा, कन्फर्म पे ओके करना होगा। तो ओके करने के लिए आपको पता है सिंपल, यहाँ पावर बटन को आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। तो चलिए पावर बटन को प्रेस करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, पावर बटन को मैंने प्रेस किया, आपने देखा कितना फास्ट प्रोसेस हुआ। अब ये प्रोसेस डिपेंड करता है आपके डिवाइस में डेटा कितना है। अगर आपके डिवाइस में डेटा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रोसेस होने में वक्त लगेगा, अगर आपके डिवाइस में डेटा बहुत कम है तो बहुत फास्ट होगा। ओके, तो आपने देखा यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और जैसे ये काउंटिंग कंप्लीट होगी आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ देखिए मैसेज आ चुका है ग्रीन कलर का, डेटा वाइप सक्सेसफुली, यानी कि हमारे डिवाइस का डेटा वाइप कंप्लीट हो चुका है, हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। ओके, अब यहाँ देखिए दोस्तों नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ ऑप्शन है बैक टू मेन मेन्यू, यानी कि मेन मेन्यू में बैक जाइए। ओके, हमको बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए आपको यहाँ पावर बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो पावर बटन को एक बार प्रेस करिए। ओके, और ये देखिए मेन मेन्यू, आप मेन मेन्यू में बैक आ गए। ओके, अब आपको करना क्या है दोस्तों, डिवाइस को रिबूट करना है। आपकी डिवाइस टोटली अनलॉक हो चुकी है, आपके डिवाइस का वाइप डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो डिवाइस को रिबूट करने के लिए आपको पावर ऑन वाली बटन को दो बार कंटिन्यू प्रेस करना होगा, ठीक है, दो बार। तो मैं एक बार प्रेस करता हूँ, ओके, एक बार और प्रेस करना है, रिबूट टू सिस्टम, एक बार और प्रेस करना है, तो एक बार मैं और प्रेस करूंगा। और यहाँ दोस्तों आप देखेंगे आपकी डिवाइस पोको एक्स थ्री प्रो पूरी तरह से रिबूट हो जाएगी, यानी कि रिस्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, डिवाइस हमारी रिबूट हो गई, और अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से ऑन होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी, चालू होगी, तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा और आपकी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ पोको एक्स थ्री का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का तरीका। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी डिवाइस रिबूट हुई, और रिबूट होने के बाद बहुत जल्दी हमारी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से एक्टिव होगी तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा। और ये देखिए दोस्तों, डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है, पहले यहाँ पे पिन लॉक था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा। ओके, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखिएगा दोस्तों जब आपकी डिवाइस रिबूट होने के बाद पूरी तरह से ऑन होगी। ओके, तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें सिंपल ये एंड्रॉइड सेटअप कंप्लीट करना है। तो चलिए एंड्रॉइड सेटअप कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं सिंपल इस एरो पे क्लिक करूंगा। ओके, यहां से आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट, सेटिंग रीजन, यहां पे कुछ सेकंड वेट करिए। ओके, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है आई हैव रीड एंड एग्री, आपको इस बॉक्स को चेक करना है। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट करें, ठीक है। यहाँ देखिए स्किप दिस स्टेप, आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है। ओके, यहाँ देखिए स्किप का ऑप्शन है दोस्तों, तो आप स्किप के ऑप्शन पर क्लिक करें। ओके, उसके बाद यहाँ से मोर करें, एक्सेप्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। और ये देखिए दोस्तों, सेट पासवर्ड, यहाँ आप चाहें दोस्तों तो अपने डिवाइस में फिंगरप्रिंट या पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूँ। मैं सिंपल स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, एग्री, डोंट एग्री, आपको एग्री पे क्लिक करना है। और ये देखिए फाइनली सेटअप कंप्लीट, आपको सिंपल ये जो एरो दिख रहा है इस एरो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों लोडिंग ऐप्स, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐप्स होते हैं जो कि यहाँ पे लोड होने में कुछ सेकंड वक्त लगेगा, और जैसे ये लोडिंग ऐप्स कंप्लीट होगा आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। तो कुछ सेकंड यहाँ वेट कर लें, और ये देखिए दोस्तों लोडिंग कंप्लीट हुआ। और अब ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी डिवाइस, ये जो जैसे ही मैंने ये एंड्रॉयड सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट किया दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, हमारी डिवाइस पोको एक्स थ्री प्रो पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरी वीडियो और ये ट्रिक आपको पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए, वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।